नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। पूर्वांचल के चर्चित रसूखदार अंसारी परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद अब इन दिनों के भाई और गाजीपुर सीट से बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी की सियासी पारी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने भले ही अपनी पहली लिस्ट में अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया हो, लेकिन फिलहाल उनकी चुनाव लड़ने पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। ये सस्पेंस अब इसलिए भी और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल को मिली 4 साल की सजा के मामले में अगले हफ्ते अंतिम सुनवाई करने का फैसला किया है। सुनवाई खत्म होने के बाद अदालत का फैसला भी जल्द सामने आने वाला है। ऐसे में अगर अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वह साल 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएगा और साथ ही साथ उसकी उम्मीदवारी पर तत्काल रूप से स्टे लग जाएगा और उम्मीदवारी उसकी खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का यह केस साल 2007 में दर्ज हुआ था। गैंगस्टर की यह कार्रवाई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर केस के आधार पर की गई थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर साल 2005 को हुई थी। हालांकि अंसारी ब्रदर्स इस चर्चित मामले में उसी समय बरी हो गए थे, उनको बेल मिल गई थी। अफजाल अंसारी की हाईकोर्ट में दाखिल अपील में मुख्य रूप से यही दलील दी जा रही है। 4 साल की सजा मिलने की वजह से ही अफजाल अंसारी को जेल में जाना पड़ा था और उसकी लोकसभा सदस्यता भी उस समय निरस्त हो गई थी। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी, लेकिन अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लग जाने के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता, संसद सदस्यता उसी समय बहाल हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 30 जून तक मामले में पूरी सुनवाई कर लेने का और फैसले सुनाने का आदेश दिया है। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज सुनवाई नहीं हो सकी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के अंतिम तक कर देगी। अफजाल अंसारी के साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी पर भी इसी याचिका के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर के स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर मामले में पिछले साल मिली 4 साल की सजा को रद्द कराने को लेकर अपील दाखिल की है, जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अगर कोर्ट अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय मामले में 4 साल की सजा सुनाता है तो अफजाल अंसारी की सांसदी जाएगी और साथ ही के साथ वो अब आगे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि MPLMLA कोर्ट में अगर 2 साल से ज़्यादा की अगर किसी को सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है और वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहता है। खैर, आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।